आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर 2 फरवरी 2021 को धान के कटोरा के साथ छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा के लिए भी है। यही वजह था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कोसा उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासरत है। यह उद्गार महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह ने 2 फरवरी को कोसा उत्पादक महिला समूह की जागरूकता के लिए आयोजित कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति की। आपको बता दें कि नर्मदा नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सिंह ने उपस्थित होकर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोसा पालन स्वरोजगार का एक बढ़िया माध्यम है, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाकर हितग्राही आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गौठानों में पशुपालन, कुक्कुट पालन के साथ रेशम कीट पालन की व्यवस्था हो। उन्होंने जिले के बड़े गौठानों में रेशम पालन हेतु वृक्षारोपण का प्रस्ताव देने विभागीय अधिकारियों से कहा, जिसमें आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। उन्होंने महिलाओं से कहा कि गढ़बो नामा छत्तीसगढ़ के अनुरूप आजीविका चलाने के लिए परंपरागत कार्यक्रमों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, सजगता और जागरूकता से योजनाओं का लाभ लें। आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ महिलाओं को भी सुविधाएं मिली हैं। घरेलू कार्य अब उनके लिए आसान हुआ है, जिससे समय की बचत हो रही है। इस समय को आर्थिक विकास के लिए उपयोग करें, जिससे उनका परिवार बेहतर जिंदगी जी सकेगा। कार्यशाला में कोसा फल उत्पादन का विक्रय करने वाले हितग्राहियों को 19 लाख रुपए से अधिक राशि का चेक वितरित किया गया। आभार प्रदर्शन जिला रेशम अधिकारी उइके ने किया। कार्यशाला में केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशम विभाग के अधिकारी सहित जिले के शासकीय टसर केंद्र लमेर, गोबंद, नेवरा, बांसाझाल, करका, जोगीपुर, मेंड्रापारा, सीस, गढ़वट, बामहू, अकलतरी, खैरा आदि गांवों के लगभग 250 हितग्राहियों ने भाग लिया। बलौदाबाजार से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझ है।